नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपको बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टार 99 हैज ये क्या है और इसका मैं पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसे दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैशलेस ट्रांजेक्शन करें, तो इसके लिए ये स्टार 99 हैज के द्वारा मोबाइल बैंकिंग का जो प्रोसेस है ये लागू किया गया। तो दोस्तों इसके बारे में आज मैं पांच चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे कि स्टार 99 हैज क्या है और इससे क्या हमें लाभ मिल सकता है, क्या फीचर है इसका, और इसका डिफरेंस जो प्रोसेस है ये मैं बताने वाला हूँ, और ये कैसे लेन देन इसके द्वारा करते हैं ये भी बताऊँगा, और इसको यूज़ कैसे करते हैं ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है स्टार 99 हैज क्या है, स्टार 99 हैज एक यूएसएसडी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग सर्विस है। दोस्तों अगर आपका मोबाइल नंबर आपके अकाउंट के साथ रजिस्टर किया है और आप किसी भी जीएसएम मोबाइल से स्टार 99 हैज डायल करके इसका लाभ उठा सकते हैं, यानी कि मोबाइल बैंकिंग आप कर सकते हैं। दोस्तों नंबर टू, स्टार 99 हैज का फीचर क्या है और इसका लाभ क्या है। दोस्तों ये जो सर्विस है इसके लिए इंटरनेट का जरूरत नहीं है। नंबर टू दोस्तों, इसके लिए कोई भी आपको ऐप्स इंस्टॉल नहीं करना है, चाहे आपके पास कोई भी जीएसएम हो, जैसे पुराने ज़माने का जो नोकिया का 3310 आता था, 3300 आता था, 1100 आता था, कोई भी जीएसएम मोबाइल हो आप उसके द्वारा ये मोबाइल बैंकिंग का लाभ उठा सकते हैं। और क्या क्या है दोस्तों, ये जो स्टार 99 हैज कोड है ये चाहे आप एयरटेल यूज़र हो, चाहे वोडाफोन यूज़र हो, चाहे आप रिलायंस या BSNL, चाहे आप कोई भी यूज़र हो, भारत में सभी जो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर हैं सबके लिए एक ही है, यानी कि स्टार 99 हैज ये सेम है सबके लिए। और दोस्तों इस ये जो सर्विस है इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, जब आप रोमिंग में होंगे तब आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं भरना होगा। और दोस्तों ये 24x7 यानी कि 2400 घंटा और 365 दिन काम करता है, यानी कि दोस्तों अगर हॉलीडे भी है, जैसे मान लीजिए आपके बैंक में हॉलीडे होगा तो आपका बैंक काम नहीं करेगा, आपके कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा, लेकिन आप अगर ये मोबाइल बैंकिंग करते हैं तो ये हॉलीडे में भी काम करता है। और दोस्तों क्या क्या लाभ हमें मिल सकता है इसके द्वारा देख लेते हैं। नंबर थ्री, स्टार 99 हैज का जो डिफरेंट टाइप्स है मैं बता देता हूँ। दोस्तों स्टार 99 हैज के तहत जितना भी डिफरेंट टाइप का ये सर्विस देता है, दोस्तों ये तीन तरह का सर्विस देता है स्टार 99 हैज से, हमें तीन तरह का सर्विस मिल सकता है। वो क्या है, एक तो है फिनेंशियल, नंबर टू है नॉन फिनेंशियल सर्विस मिलता है, और नंबर थ्री जो है वो वैल्यू एडेड सर्विस यानी कि भैंस कहा जाता है उसको। तो दोस्तों फिनेंशियल सर्विस में हमें क्या क्या मिल सकता है, दोस्तों जैसे हम फंड ट्रांसफर जो करेंगे, यानी कि किसी को अगर पैसा हम भेजेंगे तो हम कैसे भेजेंगे, फंड ट्रांसफर हम लोग तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तो है दोस्तों कि अगर आधार कार्ड से आप कर सकते हैं, यानी कि किसी को अगर आपको पैसा भेजना है तो उसका आधार कार्ड का जो नंबर है उसके द्वारा आप भेज सकते हैं। नंबर टू जो है दोस्तों MMID से भेज सकते हैं। MMID क्या है दोस्तों, MMID जो है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर्स, यानी कि जब आपका अकाउंट के साथ आप मोबाइल का नंबर जो रजिस्टर करते हैं तब आपको एक 7 डिजिट का नंबर दिया जाता है, उसको कहते हैं MMID। और दोस्तों नंबर थ्री दोस्तों, बैंक अकाउंट और IFSC कोड के द्वारा भी आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो नॉन फिनेंशियल सर्विस में आपको क्या क्या मिलेगा, नॉन फिनेंशियल सर्विस में आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, आपका जो मोबाइल का पिन है वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और ये जो MMID है ये भी आप जान सकते हैं कि आपका MMID क्या है। अगर आप नहीं जानते MMID क्या है तो ये आप जान सकते हैं, ये नॉन फिनेंशियल सर्विस के अंदर आता है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि स्टार 99 हैज के द्वारा आप कैसे फंड ट्रांसफर करेंगे। दोस्तों अगर आपके पास GSM मोबाइल हो, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल हो, अगर आपके पास स्मार्टफोन हो, कहीं से भी आप स्टार 99 हैज डायल करिए। डायल करने के बाद दोस्तों आपके पास एक वेलकम मैसेज आएगा, ठीक इस तरह आप देख लीजिए मैं स्क्रीन में दिया हुआ है, तो इस तरह एक आपके पास मैसेज आएगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपका जो बैंक का नाम है उसको शॉर्ट करके तीन लेटर में लिखना है, जैसे आपका SBI हो, जैसे स्टेट बैंक इंडिया को हम SBI लिख सकते हैं, जैसे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को UBI लिख सकते हैं, जैसे रिजर्व बैंक इंडिया को हम RBI लिखते हैं, तो इसी तरह आपको तीन अक्षर में लिखना है और आपका जो IFSC कोड है उसको 4 डिजिट में लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपके पास ऐसे एक मैसेज आएगा जहाँ पे आपको चूज करना है कि आप करना क्या चाहते हैं, या तो बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट ले सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको चूज करना है कि आप कैसे फंड ट्रांसफर करेंगे, ये MMID के द्वारा या IFSC कोड के द्वारा या आधार कार्ड के द्वारा।
तो आपको ये चूज करना है दोस्तों। तीनों तरीका मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो ध्यान से देख लीजिए तीनों तरीके से आप क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप आखिर तक देखेंगे तो ना तो किसी का हेल्प कर जरूरत होगा ना किसी से पूछना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो देख के आप खुद कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाते कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉमेंट कीजिए।